अगर ब्रुनाई के क्राउन प्रिंस किसी को वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक ग्रैंड रिसेप्शन है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के ब्रुनाई दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ जोरदार स्वागत हुआ और एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस हाजी अल मुतादी बिल्ला ने उनका रेड कार्पेट वेलकम किया। मोदी के ब्रुनाई दौरे से भारतीय समुदाय के लोगों में भी खासा उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे। ऐसा विजिट है कि इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर पहली बार तारीख में जो है ब्रुनाई जा रहा है। अगर हम ब्रुनाई की बात करें तो उनकी सकाफत 80% इंडिया से मिलती है। पाकिस्तानियों का मानना है कि क्योंकि ब्रुनाई एक मुस्लिम कंट्री है तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए मोदी जी गए हैं ब्रुनाई। ये पाकिस्तानी काफी कमेंटेटर्स टेलीविजन पे भी बोल रहे हैं कि मोदी तो चला गया है और हमें आइसोलेट कर रहा है मुस्लिम कंट्री। लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी कि हर वो मुल्क जो मुसलमान मुल्क है, इंडिया उसके करीब हो रहा है और ये मोदी साहब की पॉलिसी का हिस्सा है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जरूरी नहीं होता कि क्राउन प्रिंस ही हर लीडर को वेलकम करे, क्योंकि वो हर मुसलमान मुल्क को हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहते हैं ऑन कश्मीर, ताकि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी ने एक जब 42 बिलियन डॉलर्स की बेगिंग की इंडस्ट्री होगी, 90% जो बेगर्स जेल में होंगे इंटरनेशनली वो पाकिस्तानी होंगे और सब लोग थूथू कर रहे हैं, आपका फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है, तो आपको भारत की जरूरत नहीं है कि भारत आपको आइसोलेट करे। आप लोग खुद ही सक्षम है, खुद ही आप लोग इतने लायक है कि आप खुद को आइसोलेट करें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी साहब के उस दौरे की जिसकी इस वक्त धूम है हर तरफ, कि ये क्या बात है कि ब्रुनाई एक छोटा सा कंट्री या कोई ऐसा मुल्क नहीं कि जिसका हर तरफ चर्चा रहता हो, वहां पर भारत का वजीर आजम प्रधानमंत्री क्यों पहुंचा है। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने बताया कि मोदी साहब को वेलकम किया है क्राउन प्रिंस ब्रुनाई दारुसलाम हाजी अल मुतादी बिल्ला ने। ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये जरूरी नहीं होता कि क्राउन प्रिंस ही हर लीडर को वेलकम करे। लेकिन देखिए, अगर ब्रुनाई के क्राउन प्रिंस किसी को वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक ग्रैंड रिसेप्शन है। तो क्यों ना होता। इसकी वजह यह है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 3rd इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री, तो ये कैसे हो सकता है। ब्रुनाई दारुसलाम के लिए ये एक बहुत अहम, बहुत बड़ा लम्हा है, बहुत बड़ा मोमेंट है कि फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दुनिया की 5th इकोनॉमी का बड़ा लीडर उनके पास पहुंचा हुआ है। इसलिए उन्होंने इतना ग्रैंड रिसेप्शन दिया। जो ब्रुनाई के सुल्तान हैं उनको तो आपने देख ही रखा होगा, बड़े मशहूर हैं ये ब्रुनाई के सुल्तान। ये इनकी दौलत के चर्चे हैं, दुनिया का अमीर तरीन शख्स इनको कहा जाता है। इनके पास हजारों गाड़ियां हैं, डजन्स ऑफ कार्स नहीं है इनके पास, इनके पास हंड्रेड्स ऑफ कार्स भी नहीं है, इनके पास दुनिया की महंगी से महंगी थाउजेंड्स ऑफ कार्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जरा पैलेस देखिएगा, ये जो इनका ग्रैंड पैलेस है और ये इनकी रहायशगाह है ब्रुनाई के सुल्तान की, और ये जो रेजिडेंस है ये दुनिया भर की जो आप कह सकते हैं कि सबसे ग्रैंड पैलेस कहा जाता है, वो इसको कहा जाता है, जहां पर होस्ट किया जा रहा है इंडिया के वजीर आजम को, प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है जी, तो ये देखिए, एक तो ये है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूं कि ये और भी कुछ मेरे पास डिटेल्स हैं जिसमें, पहले तो देखिए, इससे पहले चलें, पहले जरा पैलेस पे ही बात कर लेते हैं, या पहले हम इसके इस पर बात करते हैं कि ये विजिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इस विजिट में स्पेस प्रोग्राम पे बात हो रही है, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम। स्थानियों का मानना है कि क्योंकि ब्रुनाई एक मुस्लिम कंट्री है तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए मोदी जी गए हैं ब्रुनाई। ये पाकिस्तानी काफी कमेंटेटर्स टेलीविजन पे भी बोल रहे हैं कि मोदी तो चला गया है और हमें आइसोलेट कर रहा है मुस्लिम कंट्रीज। पाकिस्तान को कोई आइसोलेट नहीं कर रहा, पाकिस्तान को आइसोलेट करने वाले पाकिस्तानी खुद ही हैं।
ठीक है, जब 42 बिलियन डॉलर्स की बैगिंग की इंडस्ट्री होगी, 90% जो बैगर्स जेल में होंगे इंटरनेशनली वो पाकिस्तानी होंगे, और सब लोग थू थू कर रहे हैं, आपका फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है, तो आपको भारत की जरूरत नहीं है कि भारत आपको आइसोलेट करे, आप लोग खुद ही सक्षम है, खुद ही आप लोग इतने लायक है कि आप खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज हमारे ऊपर ये मलबा न डालें। यहां पे मोदी जी बात कर रहे हैं स्पेस कोऑपरेशन की। अब देखिए कहां पे उन्होंने ब्रुनेई को पकड़ा है, इनको पता है कि ब्रुनेई के पास कैपिटल है, ब्रुनेई के पास पैसा है, बोला तुम स्पेस में लगाओ यार। दोस्तों ये जो सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया है, लोग कहते हैं इसके पास ना 7000 गाड़ियां हैं, 7000 व्हीकल्स हैं इसके पास, कह रहे हैं 4 या 5 अरब डॉलर की तो गाड़ियां गाड़ियां हैं, छोटी बड़ी महंगी सस्ती इस टाइप की। He has got a lot of cars, he lives in style, एक बहुत बड़े महल में रहता है। बहरहाल मोदी जी कह रहे हैं कि यार तुम जो इतना पैसा खर्च करते हो ना गाड़ी चाड़ियों में, मैं तुम्हें बताता हूं पैसा कहां पे लगाना है। देखो और कितनी गाड़ी में बैठोगे तुम, और कितनी गाड़ियां तुमने खरीदनी है, स्पेस कोऑपरेशन पे आओ। MOU on space cooperation will build upon a previous agreement from 2018 which allowed India to operate a ground station in Brunei to assist with space launches and satellite operations. In return, India will support Brunei in space research and training. 2018 की अग्रीमेंट है जो कहता है कि ब्रुनेई की धरती से भारत एक ग्राउंड स्टेशन ऑपरेट करेगा। खेल समझ रहे हैं आप, ब्रुनेई है कहां पे दोस्तों, ब्रुनेई है कहां पे, जरा ये मैप पे देखिए तब आपको पता लगेगा। ब्रुनेई यहां पे है, इंडोनेशिया कहां पे ये भी दिखाइए मैप पे, मलेशिया कहां है ये भी दिखाइए मैप पे, एडिटर साहब उनकी राजधानी दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, पूरा देश दिखाने की जरूरत नहीं है, ब्रुनेई दिखाइए, इंडोनेशिया की राजधानी दिखाइए, मलेशिया की राजधानी दिखाइए, और फिर ऊपर की ओर ऐसे देखिए जरा चाइना कहां पे है, देखिए जरा वेयर इज चाइना। अब आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आई, मोदी जी गए क्यों, आखिर गए क्यों है? तो मोदी जी ने बोला है कि ठीक है स्पेस में हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। इसके अलावा ट्रेड एंड एनर्जी दूसरा जो चैप्टर है दोस्तों इसमें है, ट्रेड और एनर्जी का। Talks will address boosting trade, which has stagnated around 500 million in recent years. The discussion will also explore increasing India's liquefied natural gas intake from Brunei. भारत ये कह रहा है कि हम आपसे और गैस खरीदना चाहते हैं। अब भारत को ये पता लग गया है कि strategically important है Brunei. और सिर्फ 500 million क्या होता है? 5 billion होना चाहिए। अब भारत क्या करेगा? देखिए, आप जब भी जाएंगे इधर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा भी गए, और उनके आई थिंक कोई नेवी चीफ भी गए थे, लेकिन वो गए थे भीख मांगने के लिए। पाकिस्तानी आखिर जाता क्यों है किसी के घर? ये गए थे, और इनके प्रधानमंत्री तो नहीं गए, इनके आर्मी चीफ नेवी चीफ जाओ 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 ब्रुनेई से, उनका वो मुसलमान है तो उससे बोलना कि 80वीं मुसलमान थे, तो उसी मुसलमान कटो पैसा। तो उसने पता नहीं इनको पैसा कुछ दे दिया होगा, कुछ चिल्लर फिल्लर, तो ये लोग खुश हो गए, तो कहते हैं कि वो हमारा मुसलमान भाई है। लेकिन जो मोदी जी गए ना, मोदी जी उससे कह रहे हैं कि देखो यार सुनो, हम बेस बनाएंगे यहां पे स्पेस का, ग्राउंड स्टेशन बनाएंगे, रॉकेट छोड़ेंगे, हम आपको भी ट्रेन करेंगे, आपके साइंटिस्ट को भी ट्रेन करेंगे। आया मजा? उसने बोला हाँ आया मजा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद। उन्होंने देखे 30 साल से जब से मोदी की हुकूमत आई है तो इंडिया ऊपर ही जा रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, जा रहा है। इंडिया को हर बंदा दावत देता है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी उसको बुलाऊं, मैं भी अपने बुलाऊं।